गाइस, क्या आप जानते हैं अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोली का यूज़ किए जाना सही है। लेकिन क्या आपको पता है किसी भी गर्भ निरोधक गोली को यूज करने से पहले उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊँगी आईपिल टेबलेट के बारे में। आईपिल कंट्रासेप्टिव टेबलेट जिसके अंदर लीवोनॉर्गेस्टर नामक केमिकल है। आईपिल टेबलेट को मैन्युफैक्चर किया है पीरामल हेल्थ केयर द्वारा। आईपिल टेबलेट का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। यदि आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं तो उस टाइम इस टेबलेट को यूज कर सकते हैं। बताऊँगी कि आईपिल टेबलेट काम कैसे करती है, आईपिल टेबलेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है। समझिए, जो फीमेल होती हैं यानी कि महिला, उनके पास दो ओवरी होती है। उनकी दो ओवरी में से एक ओवरी में एग होता है यानी कि अंडा। तो हर महीने अंडा रिलीज होता है मैच्योर होने के बाद। अंडा जो है ओवरी से यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद अगर उस अंडे को स्पर्म मिलता है तो वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो उस महिला के पीरियड आते हैं। अब हम जानेंगे कि आपको आईपिल टेबलेट को लेना कैसे है। इस टेबलेट को आपको 12 से 72 घंटों के बीच में ले लेना है। एक ही टेबलेट होती है। या तो आप सेक्स करने से पहले इस टेबलेट को लें या फिर सेक्स करने के बाद 72 घंटों के अंदर इस टेबलेट को ले लें। साइड इफ़ेक्ट ऑफ आईपिल टेबलेट यानी कि अगर आप आईपिल टेबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक लंबे समय तक आईपिल टेबलेट का इस्तेमाल करते ही रहते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आएंगे। हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड यानी कि पीरियड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। जब आपका पीरियड आएगा तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा हेडेक, नर्वसनेस, घबराना, डिजीनेस, चक्कर का, एक्ने, पिंपल, वोमिटिंग, उल्टी, वेट गेन, वजन का बढ़ जाना। ज़्यादा कंट्रासेप्टिव पिल्स खाने से क्या होते हैं, महिलाओं का वज़न बढ़ जाता है। भूख में बदलाव, बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे या फिर बहुत कम खाएंगे, ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट आईपिल टेबलेट का दिखा। अब प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं यानी कि आईपिल टेबलेट आप कब नहीं ले सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं यानी कि ऐसी महिलाएँ हैं जो अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस टाइम इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो बिल्कुल भी ना। अगर आपकी एज 17 साल से कम है तब भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते।